हाय, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मतलब सीखने की बातों में, इंसान की बातों में, जज्बात के बारे में। एक ऐसे शख्स का परिचय मैं देने जा रहा हूँ आपको। उनका नाम है आशीमान, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1987 को केरला के पत्तनम थीटा में हुआ था और वो एक हिंदू ब्राह्मण है। और हिंदू ब्राह्मण होने के बाद अगर आप इनकी स्टोरी अभी जब पढ़ेंगे मेरे साथ, सुनेंगे मेरे साथ, जानेंगे मेरे साथ, तो आपको लगेगा कि जिंदगी क्या है, ये संस्कार क्या है, इज्जत क्या है, कर्तव्य क्या है, आज्ञाकारिता क्या है, रीति रिवाज और परंपरा और धार्मिकता क्या है। स्क्रीन पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये कोई बौद्ध है, कोई संत है, कोई सन्यासी है, लेकिन आप रियल मानिए कि इनकी स्टोरी जब हम आपके बीच रखेंगे तो ये तस्वीर उनकी आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की, जब वो एक आज्ञाकारी पत्नी, एक माँ, एक बेटी थी। लेकिन ये संस्कार, इज्जत, कर्तव्य, ये सारे चीजें जो हैं जीवन में जहर घोलने के लिए काफी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी उन्हीं का सेंटेंस है। ये मेरे अच्छे मित्र हैं और मोटिवेशनल ओशो पे ये स्पीच देती हैं, मेडिटेशन का सेंटर करती हैं, ओपन माइंड है। और ये उनकी आज की तस्वीर देखिए, वर्तमान जिंदगी, दोनों में डिफरेंस आपको लगेगा। हर इंसान चाहता है कि यहाँ से वो यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, लेकिन घुटन में अपनी जिंदगी को जी रहा है। वो सोचते हैं कि पता नहीं लोग मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इससे आपको खुद आजाद होना है इस जिंदगी से। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, वास्तविकता का जिंदगी चाहिए। आप नकाब ओढ़ के सोचते हैं कि मैं दुनिया को ठग रहा हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि आप खुद को ठगे जा रहे हैं। आप जब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, तब आप आनंद पूर्वक अपनी जिंदगी जीते हैं। ढोंग की जिंदगी को खत्म करते हैं, वो आवरण आप अपने चेहरे से हटा देते हैं और पूरी दुनिया आपको जानती है कि आप सच हैं। आपको लोग जानेंगे कि आप नेचुरल हैं, बनावटी नहीं है। लेकिन हमारी क्या आदत होती है बनावटी होने का। हर इंसान गलत रास्ते पे जाना चाहता है लेकिन दुनिया को स्वच्छ दिखना चाहता है। हम हमेशा गलत सोचते हैं, हमारे दिमाग कहीं और होते हैं और हम अपने आप को दिखावा करते हैं। इन दिखावाओं से बचिए, हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है। हम जो आपके सामने वीडियोस लाते हैं ऐसे ऐसे लोगों का, इसका यही रीजन। इनका मैं आपको फेसबुक पोस्ट दिखाऊंगा। ओशो पे लिखते हैं, समाज की तमाम मुद्दों पे ये लिखते हैं और बहुत ही बेफिक्र और बेबाक लिखते हैं। जो भारतीय नारियों का संघर्ष होता है ना दोस्त, वो अधिकतर तो बीत जाता है कपड़े चुनने में। क्या पहनना है, क्या पहन के मुझे निकलना है मार्केट में, कैसे कपड़े पहनने हैं, अगला क्या देखेगा मुझे। और हम पुरुष क्या करते, नजरों को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें दोनों चीजें करना चाहिए। कई जगह आप देखिएगा कि जो स्त्रियां घर से निकलती हैं, आपको बताऊं आशीमा जी शादीशुदा है, बच्चे भी हैं इनके, सास ससुर भी हैं, माँ बाप भी हैं, इनके हस्बैंड भी, और वो एक अच्छी कंफर्ट जिंदगी अब जी रहे हैं। हमारे समाज में धार्मिकता के नाम पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो बहुत ही बेकार हो रखा है। अगर आप घूंघट साड़ी को छोड़कर जींस पहन लेते हैं तो यही समाज क्या कहने लगता है आप समझ सकते हैं।
जो मानसिक बीमारी है, मैंने कई लोगों को देखा हूं कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ पाते जिंदगी में, जो कि गलत चीज है। आज कोई नहीं कहेगा ये आसिमा 10 साल पहले की ये और ये है, कोई नहीं कह पाएगा। मैं इनको करीब पिछले 4-5 साल से जानता हूं, मेरे टच में है, मेरी बातें इनसे होती है, मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। हर चीज ओपन बोलने वाली ये लड़की है। आइए मैं इनका एक बार, ये उनका फेसबुक पेज है, इन्होंने अपना नाम के साथ लिखा विद्रोही व्यक्तित्व। बिल्कुल विद्रोही व्यक्तित्व लिखने का रीजन इनका क्या है? समाज से जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो निश्चित ही लोग आपको विद्रोही व्यक्तित्व कहेंगे, विद्रोही ही समझो। ये तंत्र पे, योगा पे अपना जानकारी देते हैं, ओशो पे ये लिखते हैं, ये तमाम चीजें। इनका अपना YouTube चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हैं, और बहुत ही क्लियरली ये चीजों को लिखते हैं और बताते हैं। ये इनकी अच्छाई में समझता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा अपने मित्रों के साथ भी इस चीज को मैं शेयर करूं। धर्म को एक अलग नजर से देखिए, हो सकता है कई लोग कहेंगे ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पब्लिकली अगर आप इनको देखें समझें तो बहुत ही, इनकी कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जिंदगी को खुला जीना चाहिए, ओपन होके जीना चाहिए, जिंदगी रंगीन है उसे रंगहीन मत करिए। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को जानते हैं, समझते हैं। और जहां आप समाज के प्रति कोई सवाल किए, लोग आपको कहेंगे कि ये लड़की गलत है या ये लड़का गलत है, इन्हें भी ये चीज झेलना पड़ा होगा। मैंने इनसे बात किया, मैंने इनसे पूछा, मैंने इनसे अपने व्हाट्सएप पे सारी बातें किया, इनसे तस्वीरें मैं मांगा, मैं कहा मुझे बताइए कि आप इस जिंदगी को कैसे चूज किए, मतलब क्या बाधाएं आई, मतलब एक हाउस या वाइफ, एक गृहिणी इस जगह तक कैसे पहुंची, क्या राज था, क्या रीजन था उस जिंदगी, और इस जिंदगी में आप क्या अनुभव करते हैं। तो जो मैं इनसे समझा उसकी सीधी बात थी कि जो वो जिंदगी थी उसमें और आज की जिंदगी में सुकून है, सहजता है, सरलता है, सौम्यता है, वो चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं। और हम लग जाते हैं ओए होए क्या बात है, उसकी बेटी ने ऐसा कर दिया, ओ हो उसके बेटा ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, हम इसी सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि आप देखेंगे ना कि कई लोग कहते हैं कि मैं पुजारी हूं, पूजा करता हूं, मंदिर में जाएंगे और दिमाग कहीं और छिपा हुआ है, सच्चाई जीना ही नहीं चाहते हैं, असलियत में, जिंदगी की असलियत में आना ही नहीं लोग चाहते। यही तो गलत है हमारे समाज में, हमारे समाज में यही सबसे गलत है दोस्तों। तो आशिमा जी का ये वीडियो मैं यहां खत्म कर रहा हूं, इनकी जिंदगी से ये प्रेरणा लीजिए कि आपको जो जिंदगी पसंद है उसको जीना सीखिए, उसको एंजॉय करिए, गलत मत करिए, ना खुद के साथ ना किसी गैर के साथ। खुद भी खुशी से, स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी जीना सीखिए और दूसरों को भी सीखने दीजिए और जीने दीजिए। फ्री माइंड होइए, जो आपको अच्छा लगता है, बंधन में जबरदस्ती मत लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप पौराणिक विचारों का सम्मान करिए या वो चीज आपको अच्छा है, वो परंपरा अच्छा है, तो उसी परंपरा में रहिए।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आजादी चाहिए, आप घुटन की जिंदगी जी रहे हैं, तो स्वतंत्रता लाइए अपने आप, जैसा कि इन्होंने लाया। तो थैंक यू, इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ, इस पे मैं कोई टैक्स की चर्चा नहीं किया हूँ। थैंक यू, बाय बाय।